हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज रेसिपी होची चिली कंकड़ा। तो चलो तो स्टार्ट करीबा बनेबा। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स देखी नबा कौन कौन आमको दरकार बनेबा पाई चिली कंकड़ा। तो चलतु आम बनवा स्टार्ट करवा। ये मुझे कॉर्नफ्लोर जोटा कि मुझे नेबी एबे 4 to 5 स्पून। तापरे मुझे ऐड करी मैदा। मैदा भी सेमती आपण रिक्वायरमेंट हिसाब से आपड़ ऐड करेंगे, नचे आप 3 to 4 स्पून भी ऐड करें। तापरे मु पकाउछि एटे फूड कलर जोटा कि रेड कलर। तापरे मु पकेबी एठी रेड चिली पाउडर, देन पकेबी एठी मु ब्लैक पेपर पाउडर जोटा कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आनिबो। तापरे मु पकेबी कश्मीरी लाल मिर्च जोटा कि आमर ए रेसिपी रो कलर बहुत ही सुंदर करेबो। देन सॉल्ट पकेबी स्वाद अनुसार आउ ए सब गोटे मिक्सचर को भल भाव मिक्स करके रखिबे। एबे आमे नेक्स्ट स्टेप करिबा। नेक्स्ट स्टेप रे जो आमे मिक्सचर बनेथिले सब पाउडर को मिक्स करके सेटा गोटे मो बड़ बाउल रे नछे। तापरे मु सेतरे ऐड करबी अदा रसुण पेस्ट पकेला परे ताको परे मिक्स करेला परे मु पानी ऐड करबी ताकि ओटे सेटा ओटे थिक कंसिस्टेंसी होबो। आ तापरे मु कंकड़ा ऐड करके ताको भलो से मिक्स करबी। तेल गरम हो सारी एबे मो कंकड़ा को कढ़ाई रे पकेबी आउ ताको भल से फ्राई करेबी मीडियम फ्लेम रे 10 to 15 मिनट्स जाए ताको भल से मो फ्राई करेबी।
ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ। କଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଭାବସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇବା, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜ ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି। ତାପରେ ରସୁଣ ପକାଇବି, ତାପରେ ଅଦା ପକାଇବି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ପିଆଜ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇଲି ଟମାଟୋ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ଆମର ଥାଏ ତାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛି, ତାକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲସେ ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ଆସିସାରିଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋର କଙ୍କଡ଼ା ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲସେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଚିଲି କଙ୍କଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିବା ସର୍ଭ କରିବା।
मोर ए वीडियो टी भला लागिला त लाइक करिवे शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे आउ कमेंट निश्चित करिवे आउ मोर नेक्स्ट रेसिपी मु कौन करिवे कमेंट रे निश्चित कहिवे थैंक यू।